वंदे गुरुपद्द्वंद्वं भक्तबिंदसमन्वितं श्रीचैतन्य प्रभु वंदे नीत्वा नंदसहोदितं श्रीनंदनंदन वंदे राधिका चरणोदयं गोपीजन समायुतं वृंदावन मनोहर वंशाकल्पतरुवश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयति गिरिं यत्कृपातमहं वंदे परमानन्दमाधवं वृंदावै तुलसीदेवै पियावै केशवश्च कृष्णभक्तिपदे देवी सत्त्वत्वे नमो नमः नारायण नमस्कृत नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयो मुदीरे संकीर्तने कृष्ण कथोपदेशे गौरीपत्रस्य प्रकाशने च सदानुरक्त गुरुभक्तियुक्त भक्ति प्रमोदाख जगोद्वरुण्य धैयम् सदा परिभवग्नमविष्टदोहम् तेथास्पदम् शिव विरिञ्चिनुतम् शरण्यम् भीतातिहम् पुनतपाल भवद्दीपूतम् वंदे महापुरुषते चरणारविन्दम् यत्पादपल्लवनखचन्दमनि छटाया विस्फुरजित किमपि गोपवधू स्वदर्शी पूर्णानुरागरस सागर सारमूर्ति साराधिकामयी कदा कृपां करोति श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तबिंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे अजानुलंबित भुजौ कनकावदतो संकेतनैकपितरो कमलायताक्षो विशांबरो द्विजबरो जुगधर्मपालो वंदे जगत्प्रियकरो करुणावतारो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे वैराग्य सिंधु अनुराग रसैक सिंधु वात्सल्य सिंधु रतिसांद कृपैक सिंधु लावण्य सिंधु अमृत छविरूप सिंधु श्रीराधिका स्फुरतु मे हृदि केलि सिंधु वेणुं करात निपतितम् स्खलितं शिखण्डं वेणुं करात निपतितं स्खलितं शिखण्डं भ्रष्टं च पीतवसनं ब्रजराजसूनु जस्यैककटाक्षसरघात विमूर्छितः साराधिका स्मरान् कदारसीन शिशिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद जी को एक भक्त ने पूछा था, ये असली भक्त नहीं था। उन्होंने पूछा जे प्रभुपाद जी, तमाम भागवत शास्त्रों अनुशीलन करने से
किसी भी जगह हम लोगों को राधा रानी का नाम तो प्राप्त तो नहीं होता, तो कहाँ से हम लोगों का सिद्धांत तो आ गया गौड़ीय गौड़ीय सिद्धांत में राधा रानी का अनुगत्य में भजन। समग्र भागवत में तो राधा रानी का नाम है नहीं। प्रभुपाद जी ने अत्यंत तेज का साथ इसका जवाब दिया, राधा रानी का नाम अगर भागवत में होते तो आप क्या कर लेते, राधा रानी का नाम अगर भागवत में होता तो आप क्या कर लेते हैं फुल। ये लोग तमाम दुनिया सब मेंटल स्पेकुलेशन के द्वारा सारे चीज को जांच करना चाहता है। एक बात वो लोग जाए नहीं समझ पाते, इसको श्रील प्रभुपाद अक्सर बोलते थे, लॉजिकल इंटरप्रिटेशन कैन नॉट स्टैंड इन द वे ऑफ दैट एब्सोल्यूट ट्रूथ। अप्राकृत सत्य को जानना चाहो तो तमाम आपका जो प्रचेष्टा प्रयास पागलपंथी सब छोड़ दो, उसके बाद गुरु वैष्णव का कृपा होए तो तत्व आप जान सकते। श्रीमद् भागवत जी महापुराण में बताया गया, अनयाराधितो नूनम भगवान हरिरीश्वर जन्म विहायो जम आनयद रहो। ये श्लोक का क्या माने हैं महाराज, ये श्लोक को विचार करे धीरे धीरे, समय तो नहीं है, समय तो छूट गया, क्या करे, इच्छा भी नहीं है बोलने का, समय अल्प है, उसमें कुछ अपना सेटिस्फेक्शन होता नहीं, क्या करे। वहां बताया जो अनयाराधित नूनम, इसमें संकेतिक रूप में श्रीमती राधा रानी जी का राम नाम वहां दिया गया, क्यों क्या कारण है, स्पष्ट रूप देने से क्या नुकसान था, इसका उत्तर श्रील सनातन गोस्वामी पाद बृहद भागवत अमृत में सुन्न दिए हैं, इसका लंबा चौड़ा व्याख्या हम नहीं करेंगे। श्रील गोस्वामी पाद ने तर्क दिए, जीव गोस्वामी पाद जी भी बोले, जे राधा रानी का नाम अगर श्री सुखदेव गोस्वामी भागवत कथा बोलते बोलते राधा रानी का नाम लेने का समय हो गया तो इनके पूरा अष्ट सत्य विकार हो गया और बोलने का कोई क्षमता नहीं है, जैसे कथा बंद हो जाएगा, पूरा शरीर हिल रहा है, पसीना निकल रहा है, अष्ट सत्य विकार, किसी भी हालत से कथा बंद हो जाए। इसीलिए श्री सुखदेव गोस्वामी जी किसी भी तरीका से नाम को स्पष्ट उच्चारण नहीं किए और बता दिए अनयाराधित नूनम भगवान हरिरीश्वर। ये श्लोक का व्याख्या हुए तो देखोगे जिन्होंने परात्पर अखिलेश्वर नंद नंदन भगवान श्री कृष्ण को पूर्ण मात्रा परिपूर्ण रूप सेवा करके वशीभूत किए, इन्हीं का नाम राधा, आराधना करके जिन्होंने सर्वश्रेष्ठ संतुष्ट किए अपना प्राण प्रियो को, इसीलिए इनका नाम पड़ गए, क्या नाम पड़ गया, श्रीमती राधा रानी। और स्पष्ट रूप में बताए भागवत का इंसिडेंट पूरा तमाम दशम स्कंद का है, रास पंचाध्यायी में, जब भगवान श्री कृष्ण ने देखे जे रास लीला में श्रीमती राधा रानी अंतर्धान किए, राधा रानी नहीं है, जब देखे मेरा प्राण प्रिया प्रियो तमाम गोपियों का साथ समान व्यवहार में लगे हुए है, वहां एक बात प्रभुपाद जी ने यूज किए व्यवहार किए या पंचायती सेवा, जहां पंचायती सेवा चल रहा है वहां हमारा पानोनाथ का जो प्राण से भरपूर सेवा करने का जो मौका वो तो नहीं मिलेगा, हमको रहना नहीं है, और अंतर्धन किए और पूरा रास का जो श्रृंखला बाइंडिंग फोर्स पूरा रास का श्रीमती राधा रानी छोड़ के और कोई नहीं। जब भी कृष्ण देखे जे श्रीमती नहीं अंतर्धन किए
तुरंत कृष्ण का रास पूरा एकदम वांछा स्कैटर्ड, टोटली स्कैटर्ड, रास बंद हो गए। और कृष्ण ने तमाम दुनिया ढूंढने लगे, कहाँ राधे राधे, कहाँ गो प्राणमयी राधे राज्य गौर किशोर बाबा अंतिम समय में गाते थे, कोथाए गो प्राणमयी राधे राधे ऐसा बोल के ढूंढते थे। ऐसा करते करते गौर किशोर बाबा जी महाराज पागल हो जाते थे। राधा रानी का तत्व ऐसे समझा नहीं जाता है, हम क्या करें, हमको शर्म आता है, बोलने बैठा है हमारा हिम्मत नहीं है, कैसे बोले। जो पहला श्लोक दे के शुरू किए हैं इनका तो ये सभा में व्याख्या करना ही नहीं चाहिए। गोस्वामियों पर अनुगत में थोड़ा आगे चलकर दूसरा दूसरा श्लोकों को थोड़ा व्याख्या करे। श्रील प्रभुपाद जी ने बताए जिन्होंने परात्पर अखिलेश्वर नंदनंदन श्री कृष्ण का सेवा देने में सदा तत्पर रहती है, सदा व्यस्त रहती है, कैसे तमाम जीवों को हमारा प्राणनाथ को सेवा कैसे अर्पण किया जाए, कैसे दिया जाए। तमाम दुनिया को ये हमारा प्राणनाथ का सेवा कैसे दिया जाए, इसी प्रचेष्टा के द्वारा गुरु का स्वरूप धारण करके पूरा दुनिया को कृष्ण प्रेम देने के लिए सर्वदा रोती है। ये जो राधा रानी का सेवा, ये कोई फिलोसॉफी नहीं है, ये कोई लंबा चौड़ा भाषण दे के प्रस्तुत करने वाला चीज नहीं है, क्योंकि श्री श्रील प्रभुदानंद सरस्वती पाद जी ने खुल्लम खुल्ला बता दिया। जब पहले राधा राधा ऐसा बोलने का हिम्मत मत करो जवान थे, बोले तो महाराज क्या करे। श्रील सरस्वती पाद प्रभुदानंद सरस्वती पाद जी ने बताए, यथा यथा गौर पदार बिंद बिंदे तो भक्तिम कृतपुण राशि तथा तथा उत्सर्पति हिदी अकस्मात राधा पदम्बुज सुधम्बु राशि। राधा तरुण तुम क्या समझोगे हैं पागल दुनिया। प्रबोधानंद सरस्वती पाद जी ने कहे जे यथा यथा गौर पदार बिंद बिंदे तो भक्तिम कृतपुण राशि, कृत पुण्य राशि, ये पुण्य दुनिया का पुण्य नहीं है, भक्ति सुकृति करके करके तमाम सेवा करने का एकदम लाजवाब भाव आ गया अंदर में। जब गौरांग महाप्रभु का चरण में जैसा जैसा स्थिति भाव लीलाओं का परिस्फुटन होते रहेगा कि गौरांग महाप्रभु कौन है, गौर लीला क्या है, ये जब समझ में आ जाए तब श्रीमती राधा रानी का विचार भाव अनायास स्फूर्ति प्राप्त होगा। लेकिन एक बात और है, गौरांग महाप्रभु का चरण का भजन करने का पहले श्री श्रीमान नित्यानंद प्रभु का कृपा चाहिए। नित्यानंद प्रभु का कृपा अगर ना हो गौरांग महाप्रभु की बात संभव नहीं है। नित्यानंद प्रभु अर्थात बलराम जी रासलीला में बलराम स्वरूप में रहते नहीं, अनंग मंजरी स्वरूप में अपना शक्ति प्रकट करती है, कर दे प्रकट करके सेवा करते हैं। जैसे नित्यानंद प्रभु का जैसे कृपा मिला, कीर्तन में है नरोत्तम ठाकुर ने सुंदर, नितायर करुणा हावे ब्रज राधा कृष्ण पावे व्हाट्स दैट, इसका माने क्या है। निताय नित्यानंद प्रभु का वास्तव करुणा हो जाए ब्रजे राधा कृष्ण पावे, मतलब मधुर रस में तुम्हारा अधिकार होगा, मधुर रस में तुम्हारा अधिकार बना देगा, नित्यानंद प्रभु का क्षमता है। नित्यानंद प्रभु का करुणा दो किस्म का होता है, पहले जब बद्ध जीव संसार दशा में भटकते हुए पागल बन जाता है, ठाकुर मेरे को रक्षा करो, तो नित्यानंद प्रभु का फर्ज बनता है उसको किसी गुरु स्वरूप में बद्मपदस्व गुरु या बद्मपदस्व गुरु रूप में पत्र लिखा देते,
उसके बाद दीक्षा गुरु रूप में प्रकटित होते, शिक्षा गुरु दीक्षा गुरु एक हो जाए तो कोई बात नहीं, नहीं तो दीक्षा गुरु के बाद वो शिक्षा गुरु जरूरत है, तो वो भी अपने आप को प्रकट करके जगत को कृपा करते हैं। और तब नित्यानंद प्रभु का कृपा भरपूर हो जाए तो गौरांग महोपा का करुणा स्वाभाविक हो जाएगा। यथा यथा गौर पदार बिंद बिंदे तो भक्तिम कृत पुण्य राशि, जैसे गौरांग महाप्रभु का चरण का रहस्य लीला मिठास आपको समझ में आ जाएगा। मतलब महाराज क्या दरकार है, हमने बार बार बहुत समाज में नवद्वीप में वृंदावन में ये बात चिल्ला चिल्ला कर बोला गुरुवर्गों का ये आदेश से। ये गौरलीला जो है, ये गौरलीला क्या है, ये गौरलीला क्या है, ये गौरलीला को बताया गया जिस दिस गौरलीला इज द कंप्लीट एक्सप्लेनेशन गौरलीला इज द कंप्लीट एक्सप्लेनेशन ऑफ राधा गोविंद लीला। राधा गोविंद लीला का परिपूर्ण इंटरप्रिटेशन, आई से एनालिटिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ राधा गोविंद लीला इज इक्वल टू गौरलीला कंप्लीट एक्सप्लेनेशन। इफ यू ट्राई टू नो राधा गोविंद लीला स्ट्रेट वे अवॉइडिंग गौरांग महाप्रभु, उसमें पल पल में आपका विपद है, पल पल में आपका मुसीबत है। और राधा गोविंद का अगर भजन कर भी लिया वो भी परिपूर्ण मात्रा में प्रकाशित नहीं होने वाला। इसे बोला यथा यथा गौर पदार बिंद बिंदे तो भक्ति में कृतपुण्य राशि तथा तथा उत्सर्पति हिदी अकस्मात राधा पदम्बुजो सुधाम्बु राशि। राधा रानी का चरण का महक, राधा रानी का चरण का सौंदर्य सौकर्य लीला का वैशिष्ट्य क्या है, ये कोई जनानी है औरत है, सारे आपका सामने उद्भासित हो जाएगा। महाराज क्या चीज है, हमने तो गाधा उल्लू का मापी के सब चिंता करके अपना समय बर्बाद किया। इसीलिए श्री भक्तवल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज और हमारा तमाम हमारा गुरुवर्ग को भी बार बार निश्चित किया, जब तक हृदय में जड़ काम का वासना रहे तब तब राधा राधा गोविंदो का जो रहो लीला पवित्र लीला इसको चिंतन करने जाओ तो मुसीबत है। जब भी भागवत में बताया गया, हमने ये श्लोक को कभी पहले शायद हमने बोला, कहा बोला भागवत जी का वो भागवत जी का अंतिम श्लोक रासपंचोध्यायी का, वो श्लोक में बताया गया विक्रीरितम वदवद भिरिदं च विष्णु, विक्रीरितम वदवद भिरिदं च विष्णु, श्रद्धान्वितं मनो श्रीनवद अथ वर्णयद य भक्तिं परं भगवतीं प्रतिलोभ्य कामं हृद्रोगमाशु पहिनोति अचिरेण धीर। ये श्लोक का व्याख्या वृंदावन में सारे सहजिया समाज उल्टा करता है, बोले महाराज ये राधा गोविंद का लीला चिंतन करो आपका काम चला जाएगा। कौन बोला है, कहां प्रमाण है, फॉरेनर लोग नया आ रहा है, नया एक दिन में तरीका से स्वयं नहीं होता उसका, हाउ डेयर दे डिस्कस ऑल अबाउट राधा गोविंद लीला स्टूपिड, एक दिन भी स्वयं नहीं जाते ठीक से, बेचैनी सर्वदा दिल में है, वो आके रासलीला चिंता कर रहा कीर्तन शुरू कर देते, बोले इसी में काम जाएगा। कौन बोला, कहां है, निकालो भक्ति विनोद ठाकुर जी तो भक्ति विनोद वाणी वैभव तमाम भक्ति विनोद ठाकुर उपदेश हुआ, कहा लिखा है, भक्ति विनोद ठाकुर बोला जिन्होंने रस तत्व को उपदेश करे और जो सुनेगा दोनों गुरु अनंत काल नरक में जाएगा। जब तक तैयारी ना करोगे, लिखा है खुल्ला में खुल्ला, जब तक आप तैयारी ना करोगे हृदय को, हम तो यह तक सिद्धांत तो है जे सुखदेव गोस्वामी जो परीक्षित महाराज को भागवत तत्व तो बताने गया रासलीला बोला, वो भी सुखदेव जी का अपार करुणा शक्ति का संचारित हुआ, नहीं तो परीक्षित महाराज का अंदर भी क्वेश्चन आया
परीक्षित महाराज के अंदर भी डाउट आया, संदेह, वो भी महाभागवत है, लेकिन ये विचार रखना महाभागवत होने से ही वो रासलीला सवन का अधिकार, ये नहीं। महाभागवत का बहुत ग्रेड है, विचार है, महाभागवत का कितना सारे स्टेप स्टेप है, बहुत विचार है, कनिष्ठ मध्यम उत्तम, उसी में थ्री कैटेगोरीज। कौन विचार करे महाराज, हमारा सुनने का टाइम नहीं, खाओ पियो जियो लड़ाई करो, कौन सुनेगा, पीछे रहोगे, गौड़िया मठ का आदमी बोल के परिचय दोगे, राधा रानी का आदमी बोल के परिचय दोगे, शर्म नहीं आता? उसी हिसाब से अपने को बनाना है, गुरु वैष्णव सब कृपा करने के लिए तैयार है, लेकिन हमारा हिम्मत नहीं है, हम तो हिम्मत हार जाते हैं, क्यों, क्या कारण है, वो तो देने के लिए बैठा है। ये नहीं कि कभी भागवत जी का ये सब तत्व चर्चा ना करो, ये अगर भाव होता तो चैतन्य चरितामृत में राय रामानंद जी का साथ महाप्रभु जो चर्चा किया उसको व्याख्या करो तो पागल हो जाएंगे, उसमें क्या है, सारे रस भरपूर है, लेकिन कैसे चर्चा करोगे, कैसे चर्चा करोगे। महा तेजियान गुरु वैष्णव का अनुगत्य में जो शक्ति संचारित कर सकता है, जैसे परीक्षित महाराज को शक्ति संचार किया तब वो रसलीला सुना, फिर उसका बाद भी क्वेश्चन रख दिया है जे गोविंदो, भगवान गोविंदो तो आविर्भाव हुआ है, धर्म संघ स्थापनार्थायो, ये तो आविर्भाव हुआ है, ये कैसे ऐसे किया, परोदाराभिमर्शनम, परोदाराभिमर्शनम, परोदार के साथ ऐसा क्या, उसका उत्तर सुनना चाहिए। कभी अगर आपका कृपा हुआ तो भागवत का ये मसला सुनोगे तो पागल हो जाओगे, अभी ये सब चर्चा करने का टाइम नहीं है, सुनोगे तो पागल हो जाओ, महाराज सचमुच है, उसमें क्या राज है, रहस्य क्या है, सुखदेव गोस्वामी क्या उत्तर दिया उसमें। यहां प्रश्न उठता है ये जो गौरंग महाप्रभु का भरपूर कृपा जिसका ऊपर हो जाए तो वो राधा रानी चरण का, राधा रानी का चरण का सेवा, राधा रानी जी का अनुगत्य में गोविंद सेवा ही हमारा गौड़ी मठ वाले का ये विचार है। और राधा रानी का महिमा अनंत अपार, जो गोविंद भी कहने जाए तो संभव नहीं, रोते हैं गोविंद। हमारा ये जो राधा रानी का कटाक्ष स्तोत्रम में सुंदर बताए, अनंत कोटि विष्णु लोक नम्र पद मजार्चिते हिमाद्रिजा पुलो मजा बिरंचिजावरो प्रदे, अनंत कोटि विष्णु लोक नम्र पद मजार्चिते हिमाद्रिजा पुलो मजा बिरंचिजा बरो प्रदे। क्या बताया, अनंत कोटि विष्णु लोक, अनंत कोटि विष्णु लोक, इसमें सारे तमाम दुनिया राधा रानी का चरण में बो डाउन, माथा नीचू कर कर उसका चरण में रोते हैं, कृपा करो दयामयी कृपा करो, जब कृष्ण स्वयं रोते राधा रानी का चरण पकड़, इसमें दुनिया उल्टा समझेगा, किसी का कीपा हुआ तो समझेगा, बाकी आदमी नहीं समझे, उल्टा अर्थ करे। यहां बताया अनंत कोटि विष्णु लोक नम्र पद्मजार्चिते, पद्मजार्चिते, पद्मजा राधा रानी, पद्मजा पद्म से जायते इति पद्मजा, इसलिए बताए नम्र पद्मजार्चित, अनंत कोटि विष्णु लोक नम्र विनम्र कंदर जिसके चरण में एकदम पागल का मां भी रोते है। अब बिरंचिजा हिमाद्रिजा पुलोमजा है, ये सब नम्र जितना सारे कृपा लेनी है, कृपा लेने का अवसर है, सारे राधा रानी का चरण से ही सारे की पात है। क्या हिमाद्रिजा पुलोमोजा बिरंचिजा वर प्रदे, सब कोई को वर देने वाली वो राधा रानी, सारे
एक प्रश्न उठता है, कृष्ण तत्व ये जो राधा तत्व को ये खूब थोड़ी सी समय में थोड़ा सा हमको समझना चाहिए, समय तो अल्प है, इसमें कैसे समझे। बोले ब्रह्म संहिता में जैसे बताया, क्या बताया, बोले ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादि आदि गोविंद सर्वकारण कारणम, ये बात सुने होंगे आप बहुत बार, इसका फीलिंग्स आए हैं तो ओके, नहीं आए तो मुश्किल। वेदांत सूत्र में एक श्लोक है सुंदर, वेदांत सूत्रों में वो सूत्रों को ध्यान देना, क्या है, शक्ति शक्ति मतोर अभेद, शक्तिमान का ही शक्ति होते हैं, शक्ति सस्पेंडेड है आसमान में, शक्तिमान नहीं है, कोई सुना है कभी, शक्ति का आधार होते हैं, जब भी कोई शक्ति देखो इसका आधार होते हैं, देयर शुड बी वन सोर्स फ्रॉम वेयर दिस एनर्जी कमिंग, माने आई मीन पोटेंशियल। तो इसको वेदांत सूत्र में बताए शक्ति शक्ति मतोर अभेद, शक्तिमान और शक्ति को अलग नहीं माना जाता, एक तत्व है, सिंगल तत्व, इसको ही तमाम दुनिया शास्त्रकार ने बताए अद्वय ज्ञान तत्व। ये अद्वय नौ द्वय, उसको पार्टीशन नहीं किया जाता एक, लेकिन फिर भी हमारा गोविंदो भगवान गोविंदो का आविर्भाव का बारे में चैतन्य चरितामृत में सुंदर बताया, राधा कृष्ण विकृति लादिनी यस्मा इत्यादि श्लोक का व्याख्या है, कैसे कैसे राधा एवं गोविंदो मिलकर गोरा रूप धारण किया, गोविंदो का गो और राधा का रा लेके गोरा हो गया गौरांग, ये कैसे कैसे हुआ, इसका बहुत विचार कृष्णदास को विराज गोस्वामी ने दिए हैं। अभी प्रश्न होता है जे शक्ति शक्ति मतोर अभेद, अनंत ब्रह्मांडों में जितना शक्ति है तमाम शक्तियों को साथ जो जोड़ा हुआ जो तत्व है इसको ही कंप्लीट भगवत तत्व बोला जाता है, इसको ही अद्वैत ज्ञान तत्व बोला जाता है। ये जो अद्वैत ज्ञान तत्व में सुप्रतिष्ठिति ना होने से तमाम भजन बिगड़ जाएगा, नहीं रहेगा, खराब हो जाएगा पूरा भजन। यहां एक बात को ध्यान देना चाहिए, जैसे भगवान श्री कृष्ण से अनंत ब्रह्मांड में जितना अवतार जितना सारे हैं, जिसको ब्रह्म संहिता में सुंदर बताया, जस्यैक निःशेषितो काल मथावलंब जीवन्ति लोम विलजा जगदंडनाथा विष्णुर महानस इहो यस्य कला विशेषो गोविंदमादि पुरुषम तमहं वयामि। क्या बताया, तमाम दुनिया का ऐसा विचार करके देखो, तमाम दुनिया का जितना पुरुष अवतार है, पुरुष अवतार कितना है, कारण अवसाई गर्भोदक साई खिरुदक साई, फिर उसका आगे चलो वैकुंठ में स्थिति, तमाम दुनिया का जितना इन्फिनिट अवतारा ही असंख्य था, सब गोविंद से आए हैं, गोविंद से मूल जे पुरुष बलराम जी मूल संकर्षण, फिर उसके आगे चलकर से चैतन्य चरितामृत में बोला कर्णवरम साई जो है हैं, वहां से अनंत सागर में जैसे लहर चलता है ऐसा अवतार, ऐसा ही मान लेना तमाम दुनिया का जितना का शक्ति अवतार है, जैसे कि भगवान श्री कृष्ण का सर राधारानी है हैं, और भगवान श्री कृष्ण जब द्वारका में गए वह रुक्मिणी बन गए, सत्यभामा बन गए, है ना, जितना सारे तमाम, फिर नारायण वैकुंठ में आओ नारायण लक्ष्मीपति, फिर वह वैकुंठ में अलग अलग प्रकोष्ठ है, वहां कभी बामन रूप धार पाकर करके है, कभी कूर्म रूप धारण करके है, कभी निशिंग रूप धारण करके है, कभी बराह रूप धारण करके है, तो वहां क्या होगा, तमाम एक एक विष्णु का अवतार का साथ एक एक शक्ति है, उसमें मिलावट नहीं होना चाहिए, अलग अलग शक्ति है सारे, सब एक एक विष्णु अवतार का जो एक एक अवतार सब कोई कैसा अलग अलग शक्ति है, लेकिन ये सारे शक्ति कहां से आई तमाम राधा रानी से आई है, तमाम राधा रानी से आई, और महाराज जी अगर ना व्याख्या करे तो हमारा दुख लगे, अभी हमको बंद करना पड़ेगा, 5 मिनट है, महाराज जी का सम्मान है, हमको ये श्लोक दोबारा दोहरा कर रात को व्याख्या करेंगे अगर आदेश हो।
वेणुं करात निपतितं स्खलितं शिखण्डं भ्रष्टं च पीतवसनं ब्रजराज सुनु जस्यैककटाक्षसरघात विमूर्छितस्य चाराधिका परिचरामि कदारसेन वांछाकल्पतरुवश्य के पास सिंधु पथितानं पावन वैष्णवेभ्यो नमः।